हल्द्वानी में दो बच्चों के पिता ने बाहर वाली के चक्कर में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। जान देने से पहले युवक ने वीडियो बनाया, उसमें उसने मौत का जिम्मेदार एक युवती को बताया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक जवाहर ज्योति दमवाडूंगा निवासी एक युवक ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। युवक पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। सुसाइड से पूर्व वीडियो बनाकर मृतक का कहना है कि कुछ समय पूर्व उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। उसी वार्ड में एक युवती ने अपनी मां को भी भर्ती कराया था। बातचीत होने पर दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए। काफ़ी दिनों तक दोनों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन उन्हें कभी मिलने का मौका नहीं मिला। कुछ दिन पूर्व युवती उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गई, जहां दोनों दो दिन तक साथ रहे। इसकी भनक युवक की पत्नी को लग गई। युवक का कहना था कि पत्नी को समझाया तो वो युवती से शादी के लिए मान गई, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया। युवक ने युवती पर प्यार में धोखा देने और उसे बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार बताया है। साथ ही पुलिस से युवती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जहरीला पदार्थ गटक लिया। जानकारी मिलने पर ऑटो चालक को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। सीओ भूपेंद्र धोनी ने बताया कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।